So hello guys, namaste and welcome back to my channel. This is Sachin, your host of this channel, and you are watching SP Reacts. So कुछ ज़्यादा fake accent हो गया अपना भाई का, लेकिन सहलो थोड़ा, ठीक है, कभी कभी भाई भी कर सकता है, ठीक है, बकचोदी जो बात दूसरे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो today we are going to react to some of the old songs of Emiway. Some of the नहीं भाई, एक ही गाना सुन रहे हैं एमिवे का पुराना, जो कि ट्रिब्यूट टू एमिनेम। एंड गाने को जब मैंने सर्च किया ना भाई, तो मैंने एक फैक्ट, मतलब एक छोटा सा फैक्ट मैंने नोटिस किया कि जो बोलते हो ना भाई, सक्सेस इज राइट हियर, एमिवे बनता ही कैसे, मैं बताता हूँ। एमिनेम कितना बड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है, समझो बात को, पूरी बात सुनो, देन समझोगे कि एमिनेम कितना बड़ा आर्टिस्ट है, सबको पता है। तो उनको ट्रिब्यूट भी कितने लोगों ने दिया होगा, राइट। लेकिन जब तुम ट्रिब्यूट टू एमिनेम सर्च करते हो, तो सबसे पहले एमिवे बनता ही आता है ब्रो, ठीक है। तो भाई इससे समझ सकते हो कितना हार्ड बंदा है ये। एंड देखो भाई, मैं एमिवे की बड़ाई कर रहा हूँ, अब कृष्णा फैंस नाराज मत हो जाना, ठीक है। मेरा हर रिएक्शन देखो, पूरा फॉलो करो मुझे, तब तुमको पता चलेगा हम कैसे बंदे हैं। एंड एमिवे के बारे में जो मैंने बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हेट करते हो, जो एमिवे को, कृष्णा को, किसी को भी हेट करते हो, पहले उनके पीछे की, उनके सक्सेस के पीछे की जो मेहनत है, उसको समझा करो। आई एम जस्ट पुटिंग माई पॉइंट हियर, ओके। सो डोंट जस्ट एज्यूम एन आर्टिस्ट बाई हिज वन सॉन्ग, सिंगल सॉन्ग, कुछ भी तुम सुन के एंड पूरा आर्टिस्ट को ही गंदा बोल दो। दैट्स नॉट द वे यू शुड थिंक अबाउट एट आर्टिस्ट। They also work hard for doing their music, which they are doing from years. जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है, तब से उन लोगों ने स्टार्ट किया है। 7-8 साल पहले से, 10 साल से गेम में है। एंड अभी अभी आके हम कोई नहीं होते कि we are just here to say whatever we want, okay. Hate comment दे दे, कुछ भी कर दे, we are not like that and we should not be like that. सो कुछ ज़्यादा ही बकर कर दिया मैंने, लेकिन चलो जल्दी से सुनते हैं एमिवे ट्रिब्यूट टू एमिनेम एंड लेट्स हिट द वीडियो। मम्बल हो गया है मेरा भी, मम्बल फम्बल रॉयल रंबल, व्हाट द फक। अरे यार रुक जाओ। अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया भाई, स्क्रीन नहीं आया था ब्रो, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद इट। So let's hit it again. Tribute to Eminem. पहले फटती थी चढ़ने मुझे स्टेज में, इतना सादा फैंसी शो में, शक्तिमान के भेस में, लिया था माइक हाथ में, टीचर खड़ी थी साथ में, मैं रोने लगा, टीचर बोली रो मत बेटा, पकड़ी हो ना हाथ में। फिर बाद में 10वीं में जब पढ़ता था, जयपोल ने बताया मुझे एमिनेम के बारे में, नहीं पता था क्या होता है रैप, क्या हिप हॉप, लेकिन ज्ञान दिया मुझे मेरे एमिनेम के गाने ने। कॉलेज में जाता था लेकिन पूरा समय गाना सुन के मैं बिताता, प्रैक्टिकल का बुक खाली रहता, पीछे से भर जाता, पीछे गाना लिखता जाता, टीचर क्लास से भगाता बुक फाड़ के, लेकिन तेरा भाई झंडा गाड़ के बैठ चुका था, करूंगा रैप, पढ़ूंगा रैप, बनूंगा रैपर, लेकिन मैं कहां पर खो चुका था, मुझको खुद को नहीं खबर। MBBS करने निकला 12वीं में, था ये डर टपक ना जाओ, लटक ना जाओ, भटक ना जाओ, वही चुआ खुद ही खुद से, मैंने खुद के लिए खोदा था कुआ, लेकिन मेरे कुएं से निकला पानी। रैप करने लगा, सबको बताने लगा कहानी, गाना लिख के अब्बा ने बोला गाने तेरे फिक्के, अंग्रेजी में करेगा रैप, नहीं चलेंगे सिक्के। फिर ठीक है, अब्बा की बात सुन ली मैंने, और बनता है गाने के आज भी कितने फैन है, बोलो और बनता है, क्या बोलते तुम। नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम, और बनता है क्या बोलते तुम। नाश्ता पानी करके पिए, चाय में चीनी कम, छोड़े कोई मारे दम तो कोई नीलम सब पुकारे एक ही नाम बोले बम बम कम बैक भाई। एंड जो भी बोलते हो ना भाई कि एमीवे इज नॉट ए रैपर, ही इज नॉट इन DHH। सुन लो भाई ने अपना सक्सेस बता दिया है कुछ लाइंस में। ओके एंड पूरा तुम एक साल भी लगा लोगे ना तब भी पूरा सक्सेस नहीं लिख पाओगे भाई का, मतलब पूरा स्ट्रगल कितना मेहनत क्या है क्या नहीं लिख पाओगे तुम, ठीक है। एंड एक गाने का लाइन है भाई का, आई थिंक जवाब नहीं माई टाइम का लाइन है कि अगर मैं खुद भी अपने अगेंस्ट लिखूं तो नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। समझा करो भाई, किसी को लिरिकल नहीं है बोलते हो ना भाई, कुछ गानों में भाई अपने जब चाहे तब लिरिकल बनता है, सब गाने में बनने की जरूरत भी नहीं है ब्रो को। तो चलो जहाँ पे हम खड़ जा रहे सब जा रहे हैं बेटा बैकपैक स्नैपबैक मेरे सर पे पब्लिक का हो रेला बैकपैक बदला लेने पे आते तो कर डालते सीधा हाईजैक प्यार से रहते तो स्वभाव पूरा शांत एड़े चाली कर देगा तो सीधा रजनीकांत रासकला एक कोला या फिर जाके 10 कोला बात मेरे फुल वास्तव बहुत हार्ड 50 तो लाख हो दिया खुद को मैं गिरा पर बातों पे नहीं भरोसा है किताबों पे जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना दूं सबको बता दूं ये दास्ता चले मेरे गिरे पड़े काफी सारे दर्द से गिरे पड़े चेहरे मेरे बहुत सारे डर से घर से निकलना मुश्किल है बातों से बुझले फोकड़ के फोकड़े लोग बंदूक की गोली के तले ये छोटे हैं छोटी बातें और ये छोड़िए सोच तेरा भाई तो बम पता मैं जोर से करता मैं शोर कम क्योंकि लोगों को कम समझ आता सब करते वादे पर कोई नहीं निभाता आधी जिंदगी में बाड़ा पे काटा ना के रास्ते में राम हुआ ना था और बन ऐसे चौपर फ्लोज भाई मैं सच बताऊं तो किसी आर्टिस्ट के याद नहीं रहते क्योंकि मेरे को जो लगता है भाई दे आर नॉट कैची इनफ टू क्या बोले इतना कैची नहीं होता कि याद रह जाए, ठीक है। बट ये सब भाई हिप हॉप को इतने मिलियंस में पहुंचाने का काम किसने किया था शुरू में? एमीवे ने भाई। अंडर तुम बोलते हो ना मचाएंगे, ठीक है मचाएंगे अच्छा गाना नहीं है, ठीक है मान लिया अच्छा गाना नहीं है ब्रो, अगर तुम बोलते हो तो मान लिया। लेकिन हिप हॉप ट्रैक्स को भी किसने पहुंचाया भाई? सबसे पहला 100 मिलियन ट्रैक किसका था? एमीवे। समझ में आया क्या? जाके देख लो बैक देन, ठीक है। जो भी बोल लो भाई, ठीक है जो भी बोल लो, एमीवे के जो आर्टिस्ट है वो है भाई, मेरे को पसंद है एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, पहले से बोला हुआ हूँ। लेकिन कृष्णा हैटर नहीं हूँ, ये बात भी समझ लो, ठीक है। एमीवे और कृष्णा दोनों के फैन भी कोई बन सकते हैं यार, म्यूजिक है यार, म्यूजिक इज लाइक क्या बोले भाई, जैसे किसी होटल में खाने जाते हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही डिश तुमको पूरा पसंद हो सकता है पूरे होटल में, ठीक है, उस टाइप की चीज है, एक से ज्यादा चीज पसंद हो सकती है। सो इन दैट वे आई एम लाइक घर से निकलना मुश्किल है बातों से बुझले फोकड़ के ओके ये वाला जो ये फिर से सुनेंगे, पूरा शुरुआत से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। खड़ जा रहे सब जा रहे हैं बेटा बैकपैक स्नैपबैक मेरे सर पे पब्लिक का हो रेला बैकपैक बदला लेने पे आते तो कर डालते सीधा हाईजैक प्यार से रहते तो स्वभाव पूरा शांत एड़े चाली कर देगा तो सीधा रजनीकांत रासकला एक कोला या फिर जाके 10 कोला बात मेरे फुल वास्तव बहुत हार्ड 50 तो लाख हो दिया खुद को मैं गिरा पर बातों पे नहीं भरोसा है किताबों पे जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना दूं सबको बता दूं ये दास्ता चेहरे मेरे गिरे पड़े काफी सारे दर्द से गिरे पड़े चेहरे मेरे बहुत सारे डर से घर से निकलना मुश्किल है बातों से बुझले फोकड़ के लोग बंदूक की गोली के तले ये छोटे हैं छोटी बातें और ये छोड़िए सोच तेरा भाई तो बम पड़ता मैं जोर से करता मैं शोर कम क्योंकि लोगों को कम समझ आता सब करते वादे पर कोई नहीं निभाता आधी जिंदगी में बाड़ा पे काटा ना के रास्ते में राम हुआ ना था और बनता है क्या बोलते तुम नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम कोई मारे दम तो कोई चिलम सब पुकारे की नाम बोले बम बम और बनता है क्या बोलते तुम नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम छोड़े कोई मारे दम तो कोई चिलम सब पुकारे की नाम बम बम। This song is specially for Eminem, specially for you homie. So that was a tribute to Eminem by Emiway. कैसा लगा रिएक्शन जल्दी से बताओ, ठीक है। वीडियो वैसे भी लंबी हो गई होगी शायद, थोड़ा ज़्यादा ही बक बक मैंने किया है बीच में। एंड लेकिन जो बीच में चॉपर फ्लो था सुपर्ब लगा था मुझे, उसमें भी कोई फंबलिंग एंड स्टटर स्टम्बल नहीं लगा था मेरे को, शुरुआत में भी अभी भी नहीं लगा। एंड दैट वाज कैची एज वेल. ठीक है, चॉपर फ्लोज जो होते हैं वो सुनने को अच्छे लगते हैं एंड वो जबान पे इजीली नहीं आते, पर ये जो चीज़ है वो जबान पे आ गई है. मतलब सोचो, अगर चॉपर फ्लो को तुम कैची बना सकते हो तो इससे बड़ा काम क्या कर सकते हो म्यूजिक में. एंड सो दैट वाज इट, ट्रिब्यूट टू एमिनेम. If you like this video, please drop a like and also subscribe to this channel and join with the SP gang. And मिलते हैं एक और नई वीडियो में. Till then, take care, peace out.